हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। कभी कभी क्या होता है कि हमारा कंपाइलर इंस्टॉल नहीं हो पाता है हमारे कंप्यूटर में और हम बहुत परेशान होते हैं, हमें इंस्टेंट कोडिंग करनी होती है फिर भी हम कोडिंग कर नहीं पाते हैं। तो आज मैं उसी के बारे में आपको बताने वाला हूं कि किस प्रकार से आपके सिस्टम में अगर कोड ब्लॉक या फिर टर्बो सीआईडी या फिर कोई भी जावा वगैरह अगर नहीं डाउनलोड हो पाता है तो कैसे हम कोडिंग करेंगे। तो देखिए, ऑनलाइन बहुत सारे कंपाइलर्स मौजूद हैं और उन्हीं का यूज करके हमें कोडिंग करनी है। तो ये देखिए, मैंने गूगल पर सर्च किया है ऑनलाइन कंपाइलर, तो आपको भी इसी प्रकार से ऑनलाइन कंपाइलर सर्च करना है गूगल पे और आपको बहुत सारे कंपाइलर शो हो जाएंगे, जैसा कि मेरे सिस्टम में शो हो रहा है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, कौन सा कंपाइलर यूज करना है। देखिए, यहाँ पे सबसे अच्छा कंपाइलर जो है, यहाँ पे ये सेकेंड वाला दिया हुआ है, ऑनलाइन सी कंपाइलर, ऑनलाइन एडिटर, ऑनलाइन जीडीबी, ये जो लिखा हुआ है ना, इस पे आपको करना है क्लिक। और ये जो है बहुत अच्छा कंपाइलर है और इसको आप यूज कर सकते हैं। ये देखिए ओपन हो चुका है, अब यहां पर हम कोडिंग करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं सी की कोडिंग करके। तो यहां पे हैश इंक्लूड, मैं यहाँ पे दो नंबर्स को डिवाइड करके दिखाता हूं। हैश इंक्लूड stdio.h करेंगे, stdio.h। ठीक है, हैश इंक्लूड conio.h। ये हेडर फाइल्स लिखने के बाद यहां पे नीचे व्हाइट मेन लगा लेते हैं ताकि ये कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, दैट्स वाई हम इसको व्हाइट मेन लगा रहे हैं। इसके बाद यहां पे करेंगे ये जो इक्वल टू साइन लग गया है इसको हटा लेंगे। ठीक है, यहां पे करेंगे हम और यहां पे इंटीजर वैल्यू लेंगे। ठीक है, तो ए बी सी हमने तीन ले लिए हैं। ठीक है, तो अब ये देख सकते हैं आप। ठीक है, और यहां पे स्क्रीन पे दिखेगा हमें एंटर टू नंबर्स। ओके, तो ये हमने कर लिया। अब यहां पर इसको करेंगे टर्मिनेट, देन नीचे आएंगे तो यहां पे स्कैनफ लगाएंगे क्योंकि यूजर से एंटर करवाना है, तो दो वैल्यूज आएंगी, तो परसेंटी दो बार लगाएंगे। परसेंटी फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है, जैसा कि आप जानते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बता रखा है आपको, एड्रेस ऑफ ए, एड्रेस ऑफ बी लगाया हमने। और देन यहां पर इसको करेंगे टर्मिनेट, फिर नीचे आएंगे सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, अगर हमें एडिशन करवाना है तो ये लिखेंगे, आगे मैं बताता हूं डिवाइड करवाना है या मल्टीप्लाई कराना है तो क्या लिखेंगे। ठीक है, प्रिंट एफ लिखा हमने, परसेंट डी इज सम। ठीक है, और जाके वैल्यू सी में स्टोर होगी। तो ये इतना कर लिया हमने और यहां पे इसको कर दिया टर्मिनेट, गेट सेस लगा लिया ताकि स्क्रीन हमारी पॉज होती रहे। ओके, अब इसको करवाएंगे रन, तो ये प्रोग्राम हमारा रन हो जाएगा। देखिए, यहां एंटर टू नंबर्स लिखा हुआ आ रहा है, तो पहला नंबर 5 एंटर किया, दूसरा नंबर 9 एंटर किया, इन दोनों का एडिशन यानी 14 आ चुका है। ठीक है, अब हमको यह समझना है कि इसको अगर डिवाइड करना हो तो क्या करेंगे। तो डिवाइड करना है तो हम क्या करेंगे, यहां पे प्लस के बजाय सिर्फ कर देंगे हम डिवाइड का साइन लगा देंगे। ठीक है, और यहां पे सम के जगह कर देंगे डिवाइड। ठीक है, ये डिवाइड लिख दिया हमने, बस हो गया। यहां से इसको करिए रन, एंटर टू नंबर आ जाएगा, यहां पर आ चुका है। अब 6 है और फिर 2 है। ठीक है, इसको डिवाइड करना है तो डिवाइड करने पे आंसर आ गया 3। प्रॉब्लम ये होती है कि हमने इंटीजर वैल्यू ले रखी है, तो दिक्कत ये करेगा कि जब कभी भी, अब यहां पर तो मैंने बड़ी आसानी से दे दिया 6 और 2। ठीक है, अगर बात करें हम कोई और नंबर की, जैसे मान लीजिए यहां 7 है और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा गलत आएगा। ठीक है, क्योंकि हमने इंटीजर वैल्यू ले रखी है, इस वजह से यह आंसर गलत आता है। तो चलिए यहां पर थोड़ा सा चेंजिंग कर लेते हैं हम। ये जो हमने परसेंट डी लिया है इसको हम कर लेते हैं परसेंट एफ। ठीक है, यहां पर भी परसेंट एफ। ठीक है, परसेंट एफ फ्लोट वैल्यू होती है जो दशमलव वाले संख्याओं के लिए प्रयोग की जाती है। ठीक है, इसको एज ए फ्लोट वैल्यू ट्रीट करेगा ये। अगर हम यहां पे फ्लोट कर लेते हैं तो ये जो इंटीजर है इसको हम फ्लोट करेंगे, एफ एल ओ ए टी। ठीक है, तो यहां फ्लोट ले लिया हमने, बाकी सारी चीजें फ्लोट हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, इसी को रन करना है। यह प्रोग्राम हमारा रन हो गया। ठीक है, एंटर टू नंबर आ रहा है। अब यहां पे 7 करता हूं और 3 करता हूं तो आंसर देखिए 2.3333 यहां पे ये आंसर आ रहा है, ये पहले नहीं आ रहा था। ठीक है, अब पाइथन की बात करते हैं, चलते हैं पाइथन वाली कोडिंग करते हैं। सबसे पहले इसको मैं स्टॉप करता हूं, ये जो हमारा आंसर आ चुका है यहां से हम ले लेंगे पाइथन। ठीक है,
अब यहां पर पाइथन की कोडिंग करनी है, तो चलिए सबसे पहले लिखते हैं इंट, फिर इनपुट फंक्शन लिखते हैं इंट इनपुट, एंड अब यहां पे क्या करना है, इंट इनपुट कर दिया हमने, ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे एंटर टू नंबर्स, ठीक है, ये कर दिया हमने। अब यहां पे क्या करेंगे, अच्छा वेरिएबल तो बनाया ही नहीं, तो यहां पे लिखेंगे a इज इक्वल टू इंट इनपुट, ठीक है, ये कर दिया हमने। इसके बाद नीचे आएंगे तो फिर b इज इक्वल टू इंट इनपुट, ठीक है, एंटर टू नंबर लिखने की जगह हम यहां पे लिखेंगे एंटर अ नंबर, ठीक है, और फिर यहां पे इंट इनपुट में एंटर द सेकेंड नंबर, ओके, ये लिख दिया हमने। तो ये दोनों हमने कर लिया, ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, नीचे आना है, और नीचे आने के बाद यहां पे इसको डिफाइन करेंगे हम, c इज इक्वल टू, अगर हमें एडिशन करवाना है तो a प्लस बी, ओके। यहां पे अब क्या करेंगे, प्रिंट फंक्शन का यूज करेंगे और इसको प्रिंट करवाएंगे। तो कैसे प्रिंट करवाएंगे, जो हमें लिखना है, जो सिर्फ प्रिंट होकर आना है, उसको डबल एटेड कोर्ट्स में लिखिए एडिशन ऑफ, तो ये हमने लिख दिया, ठीक है, डबल एटेड कोर्ट्स में, बाकी का आपको लिखना है सिंगल, वैसे लिख देना है बिना किसी कोर्ट्स के, ठीक है, सिर्फ कॉमा लगा करके ए कॉमा एंड, तो एंड को डबल एटेड कॉमा में एंड, और फिर बी लिखना है तो यहां पे बी इज, तो इज को डबल एटेड कॉमा में, ठीक है, कॉमा सॉरी कॉमा सी, ये हो गया हमारा। तो ये हमारा प्रोग्राम बन गया। अब हमें क्या करना है, सिर्फ सिंपली इसको इनपुट कर देना है, इनपुट फंक्शन का यूज करना है ताकि ये इनपुट हो जाए। हो गया हमारा प्रोग्राम रन हो गया, अब इसको बन गया, अब यहां से रन करवा देते हैं। तो प्रोग्राम रन हो गया है पाइथन में भी, आप देख सकते हैं यहां लिखा हुआ आ रहा है इंटर अ नंबर, तो यहां मैं एक नंबर एंटर करता हूं 66, ठीक है, सेकंड नंबर एंटर करना है 5, ठीक है, तो 71 होना चाहिए, आंसर हमारा क्या आ रहा है 71, यहां आप देख सकते हैं आंसर हमारा 71 आ रहा है, ठीक है। तो उम्मीद है यह बात समझ में आई होगी कि पाइथन पे इसको हम कैसे कर पा रहे हैं, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को शेयर भी करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।